जानू तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा हर और तेरा ही गुमान तुझे तुझसे चुराया धड़कन में बसाया तू हो ना सका मेरा क्यों जाने ना तू तू मेरा सुकून तू सच्चा हर और तेरा ही गुमान तुझे तुझसे चुराया धड़कन में बसाया तू हो ना सका मेरा क्यों जाने ना तू तू मेरा सुकून तू ये क्या कर रहे हैं ये पहली बार बीच में आए हैं कैसे नदीदों की तरह जैसे वो बॉलीवुड फिल्म्स में वो कपल सॉन्ग शूट नहीं कराने आते आई मीन हाउ कुड दे अरे इट्स ओके आई मीन हर कोई अपनी जिंदगी में किसी ना किसी इमेज में रहता ही है अब ये लोग बॉलीवुड हैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कराची में पेरिस हिल्टन आ गई वेरी फन और तुम खुद क्या हो जेम्स डीन ऑन अ हार्ले डेविडसन राइट या व्हाई नॉट पता है आजकल ना हम लोगों ने हर चीज़ को कैटेगराइज कर दिया है यहाँ तक के प्यार को भी यू नो इस क्लास में है तो ऐसी उस क्लास में है तो वैसी जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है प्यार में बस प्यार होता है अब इनको देखो दो इनोसेंट सोल्स भागते हुए पानी में जा रहे हैं सच क्यूट लव स्टोरी ओ गॉड यू एंड योर बॉलीवुड फैंटेसीज तुम्हें पता है अगले हफ्ते आयशा के यहाँ उसकी एनिवर्सरी पार्टी एंड गेस व्हाट्स द थीम नो बॉलीवुड नाइट तुम बिल्कुल वो ऋतिक वाले कॉस्ट्यूम में मेरे साथ चलना। Oh wow, fantastic! लेकिन एक बात बताऊं, ये सारी फैंटेसीज वक्त के साथ साथ मर जाती हैं। जब इंसान के पास पैसा नहीं ना होता तो सारी बॉलीवुड की फैंटेसी सारी मोहब्बतें प्यार ये सब भूखी मौत मरती है रिमेम्बर व्हाट आई एम सेइंग फिर तुमने प्यार में पैसे को डाला समझाया था पहले तुम्हें ये दो अलग चीजें हैं यार टू एंटायरली डिफरेंट अदर स्टोरीज आई मीन इनको देखो इनके लिए क्या चीज़ मैटर करेगी सिवाय प्यार के कुछ भी नहीं और प्यार में वैसे भी सिर्फ प्यार ही ज़रूरी होता है पैसा ज़रूरी नहीं होता ये बात तुम बहुत इजीली कह सकते हो बिकॉज यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कभी नदीम से पूछो ना इस बात तो तुम्हें पता चले तो पूछ लेते हैं अभी बल्कि वहीं चल के नदीम God, हम भी आ रहे हैं Stop being embarrassing मैं कहीं नहीं जा रही I don't want to mess my clothes whoa तुम ही ने बोला था ना कि मैं कराची की पेरिस हिल्टन I don't want to spoil my dress हाँ तो अब तुम पेरिस हिल्टन कराची की कराची में बीच तो बीच में पेरिस हिल्टन जा सकती है चलो ना हम भी ऐसे भागते हुए जा सो बॉलीवुड वी आर नॉट लाइक दैट हम भी आ चलो मैं जाएगा ओ कम ऑन लेट्स गो नो अरे यार यू आर सच अ बोर सो आर यू लुक एट देम Birds in the sea. दो चार पल की कहानी नहीं है लफ्जों में कैसे होगी बयां दो चार पल की कहानी नहीं है लफ्जों में कैसे होगी बयां मैंने चुनी है तेरी मोहब्बत बांधी तुझसे ये डोरियां क्यों जाने ना तू आप मेरी जान छोड़ दे मैं दानियल को अपनी लाइफ से निकाल चुकी हूँ अब अगर जारा उससे शादी नहीं करती तो वो भाड़ में जाए तुम इतनी स्टबन क्यों हो रही हो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को सुनो
पहली दफा जिंदगी में मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें पता क्या हुआ है? ये जो तुम्हारी कोशिश थी ना कि तुम जारा को नीचा दिखाओ, उसमें पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन जारा अब तुम्हारे बराबर आ गई है। एंड दानियाल इतना अच्छा लड़का है, ही डजंट डिजर्व समवन लाइक जारा, ही डिजर्व्स यू। फाइन, तो ना करें, लेकिन आप मुझे मेरा फैसला चेंज करने पे बार बार मजबूर मत करें। आप जानती हैं कि एक बार जो मैं बात सोच लूं, वो मैं कर गुजरती हूँ, उसमें मेरा फायदा हो या नुकसान, नो। और वैसे भी आप तो उस दिन बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि मैं दानियाल की शादी जारा से कराऊंगी, तो जाएं कराएं। मामा, शाजिया आंटी ने बहुत ही फजूल हल निकाला है इस बात का। ये क्या दोनों माँ बेटी मुझे कुर्बानी का बकरा समझते हैं? अलीजे को तो अब तुम भूल ही जाओ। मुझे पहले भी जारा पसंद थी और अब भी, और मुझे यकीन है कि अलीजे से बेहतर साबित होगी हमारे लिए। पर मैंने नहीं ना सोचा उसके बारे में कभी ऐसा। इस बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? और शाजिया आंटी की चलाकियां अच्छे से समझ रहा हूं मैं। अपनी दोस्तियां रिश्तेदारियां बचाने के लिए उस बेचारी लड़की को कुर्बानी का जानवर बना रहे। बेटा, उसी बेचारी लड़की के लिए तो मुझे ख्याल आता है। अलीजे ने उसे नदीम से अलग करके उसके साथ जुल्म किया, और अब अगर हम उसे इस तरह तन्हा छोड़ देंगे, वो भी जुल्म होगा उसके साथ। तो बेसिकली आप जारा पे तरस खा के उसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं? अरे नहीं, बस मैं तो उसके साथ जो ज्यादती हुई है उसके बारे में सोच रही हूँ। आप सोचिए, जरूर सोचिए, पर प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं कोई डोनेशन का चेक नहीं हूँ जो किसी हकदार को देके आपको जन्नत मिल जाएगी। मेरी भी फीलिंग्स है, अभी दिल से अलीजे की ये बात गई नहीं, और आप मुझे एक बार फिर अलीजे से बात करनी चाहिए। यू नो आई डिडंट मीन दैट। दानियाल मुझे एक बात जानना चाहता था, क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में सोच सकती हो? नहीं, क्योंकि मैं टूटी हुई चीजें जब एक बार ट्रैश कर दूं तो उन्हें दोबारा जोड़ के इस्तेमाल नहीं करती। तुम्हारे लिए जज्बात, रिश्ते हमेशा चीजों जितनी औकात ही रही ना इनकी तुम्हारे लिए। रिश्ते और जज्बात दानियाल अपनी अहमियत खो देते हैं जब वो ट्रैश का हिस्सा बनते हैं। अब तुम जारा से शादी करो या किसी और से, कम से कम मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। अलीजे जमाल, तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रही हो। जीतू, मेरा मोबाइल बज रहा है। जी बाजी, ले आओ। दादे प्लीज। दानियाल भाई। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। वो मैं जारा से शादी करने के लिए तैयार। क्या था? अच्छा, दैट्स वेरी गुड न्यूज। बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, कब आओगे? बस आ रहा हूँ। बस जल्दी से आता हूँ, बड़ी सारी जफ्फी देनी है। जीते रहो, खुश रहो मेरी जान। ओके, खुदा हाफिज़। यू दादा बहुत केयरिंग है ना। हाँ, और अलीजे उतनी लापरवाह। मैं असल में इस प्रपोजल पर अब मजीद गौर करना चाहती हूँ। क्यों, मजीद गौर किस लिए? क्योंकि मेरे पास
अब एक दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं जानना चाहूंगा कौन है वो दूसरा ऑप्शन? ज़ारा। मैं तो खालदा साहिबा की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अरे मंगनी वंगनी में क्या रखा है भाई, जो तारीख तय हो गई है अल्लाह का नाम लेके उसी में रुखसती कर दो। और वैसे भी आप लोग बता रहे थे ना कि कार्ड तो छप गए हैं। जैसा आप लोग कहें बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बस आप लोगों के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल, आपने हमारी इज्जत और बात का मान रखा। कैसी बातें कर रही खालदा आप, इस फैसले में हम दोनों खानदानों का भला है, कुछ कॉम्प्रोमाइज हमने किया है, कुछ आप कर लेंगे, मसला हल हो जाएगा। और क्या जमाल मियाँ, अरे दुनिया का कारोबार ऐसे ही चलता है, एक दूसरे से कट के क्या कोई खाक जिंदगी गुजरती है? बस अब मुंह मीठा करने की देर है, मिठाई आपकी फेवरेट है। शानू, मैंने तो ऑलरेडी मुंह मीठा कर लिया। अरे आप खाइए ना। जी जी जी, बस बहुत बहुत मुबारक हो आप सब। बस बुला, शुक्रिया, खैर मुबारक। सुना किधर? जी ये ड्राइंग रूम में लेके जा रही थी, आज जारा बाजी की शादी की डेट फिक्स हो गई है ना। ओ रियली, लाओ ये मिठाई मुझे दो। इनी मिनी मो ग्रीन विद एनी। शादी की मिठाई खाने का पहला हक तो जारा का है ना। Congratulations! I'm so happy for you. एक बाइट तो लेनी पड़ेगी। तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हें पता है शादी की डेट कौन सी फिक्स हुई है? जिस दिन मेरी और दानियाल की शादी हुई। तुम्हें पता है कार्ड्स ऑलरेडी छप चुके थे, दिन आगे पीछे नहीं हो सकते थे, तो इस वजह से। पर कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं, they're really beautiful. सिर्फ उनमें एक चीज की कमी है, क्योंकि उसमें मेरा नाम छपा। नाम के छपने से क्या होता है, निकलनामे पर दस्तखत तो मेरे ही होंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली निकलनामे पर दस्तखत तो तुम्हारे होंगे, पर मेरे छोड़े हुए मर्द के साथ। तुम्हें तो मेरी यूज कपड़ों से भी तकलीफ होती थी ना, अब दानियाल के साथ तो पहले मेरा नाम जुड़ा था ना, मेरी रिजेक्शन थी दानियाल। पर खैर छोड़ो, I'm so excited and happy for you कि तुम्हारी शादी हो रही है दानियाल के साथ। तुम्हें तो बहुत पसंद भी था ना दानियाल, तुम उसकी काफ़ी तारीफें भी करती थी और कहती थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितनी लकी हैं ना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, एक बार तो और लेनी पड़ेगी। स्माइल, दुल्हनों को हंसना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और वो ये हीरो कैसे हैं? वो नदीम साहब ठीक हैं? बता दो ना, रोज़ तो मिलती हो नदीम से। ज़ारा तुम ही बताओ, तुम हो क्या मैनिपुलेटिव? हाँ, as if she is going to agree ना। नहीं दानियाल भाई, मेरी और नदीम की इतनी बात नहीं होती, और शादी के बाद तो इंसान के पास टाइम होता है एक दूसरे को जानने का, तो शादी के बाद तो प्रोसेस शुरू होता है। हाँ। मतलब कि तुम्हारी कोई और फिलॉसफी स्टार्ट हो गई। ओह, सो दिस इज योर प्राइड, इसलिए तुमने मुझे जताया था कि
दानियाल तो अमेरिका से आया है, उसकी ज़िंदगी में बेशुमार लड़कियाँ होंगी, इसलिए पहली और आखिरी लड़की मैं नहीं हो सकती। हाँ तो आपने खुद ही कहा था कि वो प्लेबॉय रह चुके हैं, उनकी बहुत सारी दोस्तें थीं, याद है? सो व्हाट, मोहब्बत तो वो सिर्फ मुझसे ही करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे तो मेरे पास ही आए। सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी। मां ये तो लाखों का सौदा है। हाँ तो क्या हुआ, बहन का जहेज है, देना तो है। हाँ तो देना तो होगा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी शादी की बात ना छेड़ो, पहले मुझे अपने मामला तो सुधार लेने दें। लेकिन आप लोगों को तो ये माल गनीमत लूटने की पड़ी हुई है ना। तो क्यों परेशान हो रहे हो, अलीजे से बात करो, वो दे देगी तुम्हें पैसे। उसके कहने पे जारा को छोड़ा है ना तुमने? हाँ मैंने जारा को अपनी लालच और अपने मुफाद के लिए छोड़ा है, यही सच है। लेकिन अब हमें ठंडा करके खाना होगा, यही हमारे लिए मुनासिब है अम्मा। और अलीजे से मैं शादी से पहले कुछ नहीं मांग सकता। शादी? शादी क्यों नहीं कर रही है, वो क्यों देर कर रही है? वो चाहती है कि जारा की शादी पहले हो। और वो जो उसने कहा था कि आपका ओहदा भी बढ़ेगा और साथ साथ उसके तनख्वाह भी बढ़ेगी, उसका क्या हुआ? हाँ हाँ हो गया है सब, लेकिन एक माह लगेगा उसके लिए। भाई मैंने तो रीमा की सास से बहुत कहा था कि कुछ टाइम सबर कर ले, लेकिन वो ना मानी औरत, वो तो हवा के घोड़े पे सवार है। तो जाहिर है ये लिस्ट उन्हें चैन कहाँ लेने दे रही होगी। अम्मा मैं चाहता हूँ कि आप इस लिस्ट को दोबारा से देखें और इसको कट शॉर्ट करें प्लीज। या अल्लाह ये आदमी अल्लाह भी से कंजूसियां दिखा रहा है, शादी के बाद तो पता नहीं पानी की एक कतरे के लिए भी हम लोग को तरसाएगा। बस बस मलिका, जज्बात बनने की जरूरत नहीं है, जानता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, 60 इंच की LED, 12 तोला सोना, 1300 cc की गाड़ी, अमक के कपड़े तो देख, कितने सारे कपड़े लिखे, फ्रिज, ये कहाँ से देंगे, क्या कह रहे हैं आप लोग? अमीरों के यहाँ रिश्ता जोड़ा है, रिश्तेदारी की है, तो उनके साथ कदम से कदम मिलाना तो पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी औकात से बढ़कर कुछ नहीं करने वाला, और आप उन्हें बता दें 2-3 माह सबर कर सकते हैं तो करें, वरना जो मर्जी आए वो करें। सुना अम्मा क्या कह के गए, सुना आपने? या अल्लाह ये तो अपनी दोनों बहनों के रिश्ते तोड़वाने पर तुला है, अभी उसके साथ ऐसा कर रहा है, बाद में मेरे साथ करेगा, अल्लाह। जिसकी शादी हो रही है उससे ज्यादा अतावली तो तू हो रही है। हाँ तो उसकी शादी होगी तो मेरा नंबर आएगा ना, कब तक इस गलीज माहौल में पड़ी रहूंगी मैं। अल्लाह की शान है भाई, आप लोगों ने उसकी उतरन कबूल करने के लिए मुझे मजबूर किया है। अरे वो एक जिंदा इंसान है बेटा, कोई जूता या कपड़ा नहीं है, उसे उतरन मत कहो। अलीजे का ठुकराया हुआ मर्द, मुझे समझ नहीं आता कि उसकी हर नापसंदीदा ठुकराई हुई चीज को मुझे मजबूर क्यों किया जाता है कबूल करने के लिए। और अब भी उसने अपनी हसद, इंतकाम और जुनून में आगे गंदा खेल खेला। आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी बुआ। देखो बेटा सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। रिश्ते करना ना करना सब अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह सब बेहतर कर देगा मेरी बच्ची, तो परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये वो डैड के
भाई की बेटी, बताया था ना इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो अब भी हमारे साथ रहती। हम पहले मिले ही नहीं कभी। हाय, आई एम दानियल। नाम के छपने से क्या होता है? निका नामे पर दस्तखत तो मेरे ही होंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली निका नामे पे दस्तखत तो तुम्हारे होंगे, पर मेरे छोड़े हुए मर्द के साथ। दानियाल के साथ तो हमेशा मेरा नाम जुड़ा रहा है, अब मैंने उसे रिजेक्ट किया तो बेटा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके मियाँ की साबिका मंगेतर या महबूबा उसके साथ रहे। और साथ से मेरी ये मुराद है कि तुम अपना दिमाग और दिल उन पुराने वादों और जज्बात से आजाद कर दो। और अल्लाह और रसूल को गवाह करके तुमने जो रिश्ता जारा के साथ जोड़ा है उसमें कोई बददियानती और खयानत मत करना। बेटा, मैं जानती हूं कि ये रिश्ता अचानक जोड़ा है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे को कबूल करना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब नियत और जज्बा साफ हो ना, तो हर बात आसान हो जाती है। और एक बात और है, जारा को कभी उसकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में ताना मत देना। जी। गुड। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और आजकल की नौजवान नस्ल तो हम लोगों से अपनी सोच में बहुत आगे है। और बस मैं दुआ करती हूँ, और मेरी उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों बस हमेशा खुश रहो। जी, बस आपकी दुआ चाहिए। सारा, पता है बहुत सारी बातें करना चाहता हूं तुमसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। बहुत कुछ है अंदर मेरे, राइचस, आई थिंक आई कैन स्टार्ट विद सॉरी। उस सब के लिए जो सारा तुम्हारे और मेरे दरमियान ना छोटी छोटी दीवारें हैं, मैं चाहता हूं कि वो दीवारें हमारे बीच में से हट जाएं। बहुत जरूरी होगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, वो शादी का गिफ्ट।
देखो प्यारे हैं ना, स्टीम ब्यूटीफुल, चेक देम, बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। दानियाल ने गिफ्ट किए थे अभी से। हाँ तो हम ज्वेलरी शॉप के पास से गुजर रहे थे, मेरी नजर पड़ी, आई लाइक द, तो दानियाल ने कहा अभी खरीद लेता, वेडिंग नाइट पे तुम्हें गिफ्ट कर। तो वेडिंग नाइट पे पहनने थे ना, अभी से क्यों पहन लिए? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, हो सकता है वेडिंग तक मेरा मूड बदल जाए, मुझे कुछ और पसंद आ जाए। भाई मुझसे ये सब्र नहीं होती, जिस वक्त आपको जो पसंद आए हासिल कर लेना चाहिए, एज लॉन्ग एज इट मेक्स यू हैप्पी। मैं ये पिक्चर खींचूंगी। स्माइल। ये नहीं ले सकती, दिस इज योर प्रॉब्लम। मैं वही तो पूछ रहा हूं, हाउ इज इट माय प्रॉब्लम? अरे यू जस्ट प्रॉमिस्ड मी, तुम्हारे एग्जैक्ट लफ्ज दोहराऊं कि तुमने क्या कहा? तुमने कहा था अलीज़े मैं मॉम को कन्विंस कर लूंगा, और अब तुम अपने लफ्जों से मुकर रहे हो। मैंने कहा था मैं कन्विंस करूंगा, पर अगर वो नहीं मानी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अगर एक इंसान ये बात कह रहा है कि मैं कन्विंस करूंगा, तो मैं इस बात का मतलब क्या समझूं? तुम ये कहते थे ना कि अलीज़े बहुत इमैच्योर है, उसे पहले PhD कर लेनी चाहिए, हो सकता है उसका बचपना खत्म हो जाए तब तक, फिर मैं शादी करने का सोचूंगा। खालदा आंटी की पढ़ाई हुई परफेक्ट बीवी की पट्टी तुमने वो हमारे रिलेशनशिप पे इम्पोज कर दी, दिस इज योर फॉल्ट। तुम्हें मुझसे शादी इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं ज़ारा जितनी डोमेस्टिकेटेड बीवी नहीं बन पाऊंगी अकॉर्डिंग टू योर मदर। दो चार पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। दो चार पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। मैंने चुनी है तेरी मोहब्बत, बांधी है तुझसे ये डोरियां, ये डोरियां। यकीनन ये अलीज़े के बारे में ही सोच रहे होंगे, और क्यों ना सोचे, जिंदगी साथ गुजारने के वादे और इरादे जो किए थे, कैसे उनके इरादों पर पानी फिर गया, और मैं इनकी जिंदगी में आ गई जो कि अजनबी है, ना पसंदीदा है इनके लिए, तो कैसे सुकून मिलेगा इनको? मामा मैं ज़ारा जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। वो अलीज़े जैसी जिद्दी हर धर्म नहीं है, उसे तो मोहब्बत से, प्यार से और एतमाद से जिस सांचे में चाहोगे ढल जाएगी। बेचारे दानियाल अपनी शादी की रात का सोप बना रहे हैं, और तुम खुद ज़ारा ली तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने सोचा था कि आज रात जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती और अनोखी रात है, वो नदीम के साथ नहीं बल्कि दानियाल के साथ गुजरेगी? जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीऊँ ना
डसे है तन्हाई। ये किस्मत भी अजीब चीज है, जहाँ हमें जाना होता है वहां कोई और चला जाता है और हम किसी दूसरे की जगह आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता। अलीज़ा, तुमने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, दो लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। खुदा करे कि तुम भी ऐसी ही अजियत से गुजरो। अगर तुम्हारी शादी ज़ारा जैसी लुआई क्यों लड़की के साथ हो जाए तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। दानियाल जा गया? अच्छा, बस मैं भी ये नाश्ता लगवा के तुम्हें बुलाने वाली थी। तो ये सारा काम आप क्यों कर रही हैं? मैं लगा देती हूँ, मुझे काम कर लेने दे। ये देखो, ये हैं टिप्पू, ये हमारे घर का सारा काम करते हैं और खाना तो बेहतरीन बनाते हैं। वैसे भी तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें एक महीने के लिए कोई काम नहीं करने दूंगी। तो भाजी, क्या आप भाभी से एक महीने बाद काम करवाएंगी? नहीं भाई, मर्जी है इसकी, चाहे तो करे वरना ऐश करे। नहीं आंटी, मुझे तो वैसे भी फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं काम करती रहती हूँ तो खुश रहती हूँ। अच्छा बेटा, यूँ करो कि दानियाल को बुला के लाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो और तुम भी जाके चेंज कर लो, तुम्हारे मैके वाले आने वाले हैं। जी ज़ारा, सब ठीक है? दानियाल ने कुछ कहा है तुमसे? सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। भाजी आप बैठिए, मैं आपको चाय। भैया गरम है ना? मुझे आपको मैसेज दिया तो मैं आ गया, वही होगी शायद। अच्छा मैं जाके देखती हूँ, बुलाती हूँ उसे। ठीक है। टीबू चाय यार। चाय? टीपू, आज लंच में अगर बिरयानी हो जाए। क्यों नहीं? है? कल रात से मैं सोच रहा था। जी तो सिर्फ आप आ रही हैं आंटी?
बुआ भी आ रही है। ठीक है, सही है आंटी। शाजी आ रही है? जी। अच्छा, और कौन आ रहा है उसके साथ? बुआ आ रही है और अलीजे आ रही है। तो मेरे ख्याल में तुम चेंज कर लो। क्या पहना है तुमने? मैंने ये जो है ना रंग तुम पे बहुत सजता है। तैयार तुमको होना है, ठीक है? तो मैं ला के देखती हूँ अलमारी में से कोई अच्छा सा गहरा से रंग का कलर का सूट निकालती हूँ। देखती हूँ मैं। वाह, ये देखो, ये सूट बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ है, साड़ी है? जी। अरे वाह वाह, अच्छा। और इसके साथ वो जो लंबे वाले झुमके हैं ना, वो वाले पहन लेना, ठीक है? जी। देखो ज़ारा, तुमको खूबसूरत भी लगना है और खुश भी लगना है, क्योंकि तुम्हें यूं देख कर जहाँ कुछ लोग मुतमईन भी होंगे ना, तो कुछ लोग बेचैन भी होंगे। क्यों जाने ना तू